नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। आज एक बार फिर कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई है। डेली मामलों की संख्या 4000 से कम हो गई है, जहां बीते दिन देश में कोरोना के 4362 नए मामले दर्ज किए गए थे और कोरोना से 66 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं आज देश में पिछले 24 घंटे में 3993 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,71,308 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 108 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,15,210 पर पहुंच गया है। 663 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोविड के मामले सबसे कम दर्ज किए गए हैं। पिछली बार भारत में कोरोना के नए मामले 4000 से नीचे 15 मई 2020 को दर्ज किए गए थे। देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.68% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है। इस दौरान कोरोना के 8055 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,06,150 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 50,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केस 49,948 हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 21,34,463 खुराकें लगाई गई हैं। अब तक वैक्सीन की कुल 179,13,41,295 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी हैं। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 8,73,395 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 77,43,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 1,223 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 83 मरीजों की मौत हुई है। इनमें पुरानी मौतें भी शामिल हैं। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 225 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और किसी की मौत नहीं हुई है। कर्नाटक में 155 मामले सामने आए हैं और 5 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 158 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और 2 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिसंबर 2021 के बाद पहली बार राजधानी में एक दिन के दौरान 200 से कम मामले सामने आए हैं और बीते एक दिन में 3 मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।